यही लोग आ जाते हैं तो धक्का धुक्की हो जाता है। बोले थे कि आधा एक घंटे के बाद आप लोग आए सर, हम लोग को तुरंत चलाना पड़ता है ना। बिहार में नीतीश के अधिकारियों पर निगरानी की नजर टेढ़ी हो गई है। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए लाख दावे किए हो, लेकिन उन्हीं के अधिकारी नीतीश के शासन में उनके शासनकाल में जमकर रुपए बनाए हैं, संपत्तियां अर्जित की है, और इसका परिणाम अब निकल के सामने आ रहा है। जब स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी कई जगहों पर चल रही है, विजिलेंस और ईडी की छापेमारी चल रही है, तब करोड़ों रुपए कैश और किलो से गहने सोना चांदी आभूषण बरामद हो रहे हैं। चल अचल संपत्ति इतने कि जो टीम जा रही है छापेमारी करने उनके होश उड़ जा रहे हैं। एक से एक धन कुबेर बैठे हुए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है और ना ही ये कोई आखिरी मामला है। नीतीश कुमार के शासनकाल में अक्सर ये आरोप लगता है कि अफसरशाही हावी है। अफसर को जहां मौका मिलता है वो धन बनाने लगते हैं, और इसका उदाहरण बिहार में हाल के दिनों में हुए स्पेशल विजिलेंस टीम की छापेमारी हो, ईडी की छापेमारी हो, उससे यह साफ होता है कि नीतीश कुमार के अधिकारी नीतीश कुमार के सपनों को, नीतीश कुमार के दामन पर दाग लगाने के लिए हर संभव वो काली कमाई करते हैं, जिससे नीतीश का चेहरा बदनुमा बेदाग ना रह पाए। अब आपको बताते हैं कि ताजा मामला राजधानी पटना से निकल के आ रहा है। राजधानी पटना के इंद्रपुरी, राजीव नगर और अन्य कई जगहों पर अजय कुमार मसौरी प्रखंड में कार्यपालक अभियंता है। काम इनका क्षेत्र के विकास का है, लेकिन इन्होंने अपना विकास खूब किया है। इनके घर से कैश इतने मिले हैं राजधानी पटना के उन इलाकों से, सबसे वीआईपी इलाकों से, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर सीएम हाउस और सेक्रेटरिएट चंद कदमों की दूरी पर। वहां पे इस अधिकारी ने अपनी काले कमाई की जो गठरी है उसे छुपा कर रखा था। नोट इतने हैं कि अधिकारियों के गिनते गिनते पसीने छूटने लगे हैं इस ठंड के मौसम में। सोने और चांदी के जेवरात इतने हैं कि ग्राम से नहीं किलो में गिनती हो रही है। तकरीबन 2.5 किलो सोना अब तक बरामद हो चुके हैं। छापेमारी अभी भी जारी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी इस अभियंता इंजीनियर साहब के घर पे छापेमारी करने पहुंचे हैं, उन्हें भी इस बात का अंदेशा नहीं था, जानकारी नहीं थी कि साहब इतने धन अर्जित किए होंगे। ये जो पाप की कमाई है, काली कमाई है, इन्होंने इस तरीके से बनाया था। मसौरी प्रखंड में इनका काम विकास को देखना था, लेकिन इन्होंने अपना विकास किया। दरअसल आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति होने की सूचना पर जो विशेष निगरानी की जो टीम है वो बिहार के उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पूरे बिहार से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रहा है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी उससे सबक नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसके बाद और भ्रष्टाचार करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको तमाम हकीकत दिखा रही है। ये आलीशान मकान और उनके कई ठिकाने, मसौरी से लेकर पटना तक के तमाम ठिकानों पर निगरानी की स्पेशल जो टीम है वो छापेमारी सुबह से ही कर रही है। अगर अहले सुबह से यह छापेमारी जारी है और अब तक की बरामदगी को लेकर जो जानकारी दिया जा रहा है उसमें 50 लाख रुपए कैश और 2.5 किलो सोना। अब सोचिए कि एक अधिकारी 50 लाख रुपए कैश अगर अपने घर में रखता है, नोटों का बिस्तर बना कर रखता है, तो अधिकारी का ठाट कैसा होगा? नीतीश कुमार के शासनकाल में वो अधिकारी किस तरीके से आम लोगों से पेश आता होगा? जब वो मुंह खोलता होगा तो शायद पैसे की बू आती होगी। यही लोग आ जाते हैं तो धक्का धुक्की हो जाता है। बोले थे कि आधा एक घंटे के बाद आप लोग आए सर, हम लोग को तुरंत चलाना पड़ता है ना। बोला नहीं आए क्या? आ रहे हैं, आ रहे हैं संजय जी, आ रहे हैं आप लोग का सर, आप लोग का कैच सर वो खत। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170796।